हे जीण माँ, तू ये मुल्क पर, ये राज्य पर, और सारी दुनिया पर तू थारी कृपा दृष्टि बनाए रख माँ। हे माँ, सबको कल्याण कर माँ। हे माँ, थारी जय हो माँ, थारी जय हो। हे माँ, मैं हर साल थारे दरबार में यो ही मांगने आऊं, तू सबको कल्याण कर, भलो कर, थारी जय हो माँ। जीण माता की जय, जीण भवानी की जय, जीण शेरावाली की जय, जीण माता की जय, सब बोलो जीण भवानी की जय, महाराज जी। मैं बहुत दूर से आया हूँ, माता जी मारा सारा कार्य सिद्ध करया है। अब महाराज, मैं थारा मुंडा सो माता जी की कथा का विवरण सुनो चाहूँ हूँ, तो है महाराज कृपा करके मने माता जी की कथा सुनाओ। हाँ महात्मा जी, आज आप मुझे भाई हर्षनाथ और बहन जीण बाईसा की कथा सुनाकर मुझे धन्य कर दो। सुनो सुनो, सब लोग सुनो, ध्यान से सुनो भाई बहन की कथा। चुरू के कन्ने एक गाँव है, गांगू गाँव। बठेका ठाकर गंगो सिंह जी, जो आपके परिवार के साथ आपकी हवेली में ठाट बाटसू रहता था,
कंगो सिंह जी को गांव में बड़ो नाम थो। बठे बाको ही राज चाल तो बाको एक पुत्र थो जी को नाम थो हरश। एक पुत्री थी जी को नाम थो जीण बाई। दोनों बहन भाया में अटूट स्नेह प्रेम थो। दुनिया की सब चिंता छोड़ दोनों बहन भाई आपके भाईला के सागे बाड़ो रेत के धोरा में सोना सोना माटी का घर बनाता। उधम मचाता शोर मचाता हल्लो गुल्लो मचाता। और थे जानो बा कहावत है सब दिन रहत न एक समान। और एक दिन की बात है धोरा धरती देख भाई। हाँ भाई हर्ष बहुत ही चोको बनियो है। इमें कौन कौन रहसी? ये घर में अपन दोनों भाई बहन के सागे रहेगा अपना माँ बापूजी। ये चौकी पर बैठ बापूजी हुकुम चलावेगा और अठे बैठ माँ अपने लिए बाजरा का गरम गरम रोटियां बनावेगी। चल भैया माँ बापूजी कने चला। यो माँ बापूजी का नाम लेते ही बात याद आवे लगी। अच्छा ठहर पहले अपना अपना गा का गुआ तो बना लेवा फिर जासे माँ बाप को करने। ठीक है। हर्ष का बापू हाल तानी जीवनी हर्ष आया कोनी। अरे आज जासे जीवनी की माँ टाबर है कटे खेल कूद रही हो सी। हाँ भाई अब आज तो आपका खेलने कूदने का दिन है पर भाई बहन में हेत भी तो घनो ही है। एक दूसरे के बिना रही होई को नहीं जावे। तो साची कह रही है जीवनी की माँ दोनों एक दूसरे ने देख रही जीवे। बाबू साहब उटा को एक टोड़ो अठे नहीं आ रहे है। टोड़ो दुर्जन सिंह आपके साथियों के सागे हम लोग करने आ रहे हैं। लड़ो सुरमा लड़ो यह धरती अपनी माता है इस धरती खातर लड़ो। जय माता की जय भवानी। ई बार मरांगा या मरांगा अब के फैसलो करके ही रहांगा। साथियों चलो। पापा ने अदुष्ट असु अपनो गांव अपनी जमीन और अपने जनावरा की रक्षा करनी है। जय माता की जय माता की जय भवानी जय भवानी। ये लियो अपना गांव का गुआ भी तैयार हो गयो। मारो प्यारो प्यारो गांव ई को सबसे ऊंचो नाम। अठे है शिव जी को मंदिर अठे है माता को मंदिर। अठे है जोड़ा कुआ खेत अठे है सोने जी सी रेत। अठे है गाया को गुआ की पूरो गांव एक परिवार। ई को सबसे ऊंचो नाम मारो प्यारो प्यारो गांव। जन सिंह पुरखानी राज ने ज्यादा तुल मत दे। ज्याई आयो है ब्याई पाछो चालियो जा। इमे ही थारी भलाई है
या तो भड़का की खानदानी लड़ाई है, जान के सागे जासी। हाँ, यदि तू ओ गांव ये खेत जमीन छोड़कर अड़चुप चले जावे तो मैं समझूंगा तू मार से डर गयो और मैं तने माफ कर दूंगा। ओ गांव मारो भगवान है और धरती मारी माँ, गांव का लोग मारी प्रजा है, आन है आन। पर आप पर टेढ़ी नजर रखने वाले की मैं जान लेने में भी कोई संकोच को नहीं करूं दुर्जन सिंह। इरादों तो क्यों मैं भी वही लेके आया हूं, मरूंगो या मारूंगो पर आज तेरो किस्सो तमाम करके ही हंसू जाऊंगो। तो दीजो एको भी जवाब साथियों, टूट पड़ो आप पर, कोई बच के नहीं जावे, समझ गया? तो देखो के हो, वार करो। भीमा बेटा अठिया। हाँ माँ बोल। जा बेटा और हर्षा ने बोल कि जीवनी और सगा टाबरा ने लेर अठे से जल्दी से चले जाओ। बीमा क्या बात है? हर्षा जीवनी और सगा टाबरा ने ले रहे थे तो चले जा, अपना गांव में हम लोगों को है। नहीं मैं कौन नहीं भागू, मैं भी लड़स हूँ, मैं राजपूत का छोरो हूँ। तो मैं भी जाट को छोरो, चल मैं भी थारे सागे लड़ूंगा। चल मैं भी थारे सागे चाल छू। चल जल्दी करो, चलो उठो जल्दी। बोलने को वक्त को नहीं बेटा, जीवनी को ध्यान रख जे, कदे भी पीने दुखी मत हो दीजिए। आज तू तू ही को माँ बाप मन वच वचन दे बेटा, तू तू मन तू बोले क्यों को नहीं? माँ मैं जीवन को ध्यान रखूंगा। माँ 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 चुनावर तू मने वचन दे कि बड़ो होके कि गंगो सिंह के परिवार से तू बदलो ले वगो। वचन दे बेटा वचन दे। बापू मैं थाने वचन देऊ कि मैं बड़ा होकर थाने दुश्मन से बदला ले शू।
जद मिनख मिनख को बन जावे बैरी, जद मानवता जल जल जावे, धरती की भी काया कांपे, बालकियां रो का बादलिया छाया, दुख की आंधी आई, बालक हर्ष के जीवन में घनघोर उदासी छाई, ममता का बरसे है, रक्षा बंधन पावन बंधन मोती ममता का बरसे है, की बात है भीमा। आज मारे भी कोई बहन होती तो वह भी मने राखी बांधती,
मैं कितना बदनसीब हूँ कि भगवान ने माने कोई बहन को नहीं दी। भाई भीमा, आज से मैं थारी भी बहन, ले राखी बंधा ले मारा बीरा। आज से तुम्हारी बहन और मैं थारो भाई। मैं जाटनी को जायो तने आज वचन देव हूँ, मारी बहन मैं मारी जान देकर भी थारी राखी को मान बढ़ाऊंगो। पुजारी जी, इसो अकाल तो मैं हमारे जीवन में कदे ही कोनी देखियो। जे अबे ही बिरखा कोनी हुई तो जनावरा खातिर घास भी कोनी उगेगो। पुजारी जी, अगर बिरखा कोनी हुई तो माँ सबने यो प्यारो गांव छोड़ और जानो पड़ोगो। पुजारी जी, आ जाने देवी माँ की काई मर्जी है, आज तक हर विद्या और अकाल से देवी माँ अपनी हमेशा रक्षा करती आई है। ए अकाल में भी माँ दुर्गा भवानी अपनी रक्षा करसी। अब तो थे बताओ पुजारी जी, माँ ने के करनो चाहे? अब तो बस एक ही मार्ग रह गयो है, वो कौन सो मार्ग है पुजारी जी? कौन सो मार्ग है? ओ मार्ग है कठिन साधना को, जब ताणी बिरखा ना होए कोई कन्या देवी के सामने अखंड जोत जलाकर मौन रहकर अन्न जल को त्याग करके साधना करे तो देवी माता प्रसन्न हो जावे और अपनी विपदा तल जावे। जब कोई कन्या देवी के सामने अखंड जो जल मौन रहकर अन्न जल को त्याग करके साधना करे तो देवी माता प्रसन्न हो जावे और अपनी विपदा तल जावे। अन्न जल को त्याग करके साधना करे तो देवी माता प्रसन्न हो जावे। हे देवी माँ भवानी, सगड़ा की रक्षा करो, सगड़ा का कल्याण करो माँ, सगड़ा का कल्याण करो। जीवनी भाई कटेगी। भीमा भाई जीवनी भाई ने देखी के? हर्ष भाई, जीवनी भाई तो भवानी के मंदिर में तपस्या में बैठी है। मैं पट्टे से आ रही हूँ। जीवनी भाई तपस्या में बैठी है? चल चल। जीवनी माँ जगदम्बा के सामने अखंड ज्योत के आगे मौन होकर बैठी है। कोई भी वीकी साधना में विधन नहीं डालेगो। इले थेलो गठे ही उबारो। हस बेटा रुक जा। मुखिया जी थे को ध्यान राख, जो मैं मायने जाऊं। ठीक है। कोई ने मायने मत आवा दीजो। भाई चल, भाई घर चल चल मारी जीवनी भाई। बेटा हर्ष, तू ही की तपस्या भंग ना कर। पर पुजारी जी, मारी बाई हाली बहुत छोटी है, मैं इन्हें इतनी कठोर तपस्या करता कौन ही देख सकूं। जय अम्बे जगदम्बे मैया जग की पालन हार थे, कर तपस्या जीवनी माँ शक्ति देव अपार थे, करे तपस्या जीवनी मा शक्ति देव अपार थे। बातिया हर्ष जीण की है, कथाया भाई बहन
जीव जी में रम जावे छठो दिन है छठो दिन बरखा क्यों को नहीं हो रही है आज सातों दिन हो गयो बरखा को नहीं आई जीवनी बाई को के होगो के होगो मुखिया जी आज आठवां दिन हो गया बच्ची भूखी प्यासी बैठी है बस बहुत हो गया पुजारी जी थे कोई मासूम बच्ची की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सको तो बिल्कुल ठीक कह रही हो है यो ठग है पूरा गांव ने बेकूफ बना रही हो है यो पुजारी ढोंगी है सारा गांव ने मूर्ख समझ रही हो है यहां बोलकर माँ भगवती को अनादर मत करो श्रद्धा और विश्वास से ही सगड़ा काम सफल हो गए हैं माँ ने श्रद्धा और विश्वास की बात बतावे चल पराट माँ सेरा वाली माँ ज्योता वाली तेरी जय हो माँ तेरी जय हो लाडो भाई किए है ठीक है ना ठीक है जय हो भोलेनाथ जय हो चल चल समय का पंख लग गया हो दिन महीना साल बीतता गया भाई हर्ष और बहन जीवनी
यहाँ ही हंसता खेलता नाचता कूदता बड़ा हो गया। भाई साहब सिद्ध अरे 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 बीमा हर्ष भाई साहब जीवड़ी कटे मैं भी बहने ढूंढ रही हूँ तो चल बिंदा चल। हाँ चलो अरे अरे जीवनी अरे कटे जीवनी अरे बीमा देख रहे मन मेरे को नहीं हर्ष भाई साहब अरे आवाज तो आ रही है सावण जी थारा कराए सिंधारा बारंबार
वा बाई थारा वारणा जी मैं तुले वा बाई थारा वारणा जी हाँ जी बाई घणी करा मनवार हो जी जी की हर्ष भाई साहब जयराम जी की आगो के बीमा हाँ और सुना गांव का क्या हालचाल है बस एकदम मजा है सा अरे इन्हें क्या हुयो हर्ष भाई साहब इन्हें काड़ो नाक काट्यो है इन्हे बचने की कोई उम्मीद बिल्कुल को नहीं आ इसलिए इन्हें मैं तारी कने ले आया हूँ तेरी गांव का सरपंच हो अभी का बचना का कोई उपाय बताओ हर्षा भाई साहब वो मर गयो तो इको घर बर्बाद हो जाओगो इका छोटा छोटा टाबर है वो आपकी विधवा माँ को इकलो तो बेटो है इन्हें क्यों होगो तो इका टाबर अनाथ हो जाओगा
भाईसा की जय। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो सब माँ भवानी की कृपा ही, माँ जगदम्बा भवानी की कृपा ही, भाई सबकी रक्षा करे। क्या देख रही है तू? मैं तो परख रही हूँ कि नैना की धार तेज है या तलवार की। अब तो तलवार की धार तेज करने का बहुत आगे है। के दुश्मन की याद आ गई के? हाँ, बदलो लेने को सही बहुत आगे है। पर दुश्मन की ताकत में समझना भी तो जरूरी है। मन भरी, यह हर्षा की मौत ही मारा मकसद है। जब तक मैं मारा मकसद में कामयाब न हो जाऊं, तब तक मैं चैन। मैं थाने बताऊंगी कि दुश्मन कितरो पानी में है, मैं थारे लिए बैठे जाऊंगी। हर्षा, भाई कौन है तू? खड़े सो आई है? मैं ना तू, मारो ही दुनिया में कोई को नहीं। काम ढूंढता ढूंढता कई जगह भटकी, पर मुझे काम को नहीं मिलियो। जिथे भी गई लोग तनका लो भी मिलिया। अब मैं और ज्यादा दुख को नहीं सह सकूं। अब तो मौत ही मारे दुखा का अंत है। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं। भोलेनाथ सबको भलो करो को। अगर तने भगवान पर भरोसा है तो तू मारा घरा चाल। मेरी भाई तने सरुण देवेगी, बाप बहुत दयालु है। ले आओ मारा घरा चाल। भाई सहाल तानी को नहीं आया, बहुत उबार कर दी। हाँ भाई साहब, मंदिर में तो इतनी देर कौन ही लागया करे। अरे के करे गवर, लियो भाई साहब आ गया। लियो आ गया। अरे जीवनी, हे राम। कौन है यहाँ? अपने गांव की आई? भाई साहब, आप बेचारी अनाथ और दुखियारी लुगाई लागे, आप भटकती भटकती आपड़ा गांव में पहुंच गई। कौन सा गांव है तेरो? पदमपुरा गांव है भाई साहब। पर वो तो बहुत दूर है। सही नसीबा का खेल है भाई साहब। भाई साहब, मैं इन्हें यही कहकर ले आया हूं कि तन्ने मारी बहन जरूर शरण देवेगी। मैंने थारी शरण में ले लियो भाई साहब। मारा भाई साहब ने तने शरण दी है, ई के लिए तू घर में रह सके है। पर एक बात को ध्यान रखिए भला, जी के दिन तू ही घर की मर्यादा तोड़ेगी, बी दिन तेरी रक्षा कोई को नहीं कर सकेगो। इमरती, हाँ, इन्हें जिमा दे या भूखी लागे, ई बिचारी को ध्यान रखिए भला। आओ भाई साहब, आपा चला। हाँ भाई साहब चलो। तो मन बड़ी पूछ गई ना अपने ठिकाने पर? हाँ जरूर, वो आपका ठिकाना मैं सही सलामत पूछ गई। तो अब होगा असली खेल शुरू। मन ने भी हर्षा ने खत्म करना है, चाहे छलसू या बलसू। पर हुजूर पूरी सावधानी बरती हो, वो हर्षो बहुत करोड़ों आदमी है। चुप कर, मन ने ज्ञान न दे, बिगड़े की कड़ावन तो मैं काटूंगा।
ले माल्या। क्यों तो सोच राम की पुरी आदमी सो यहाँ पोटा थपवाता शर्म को नहीं आवे। मारो नाम है घेवर चंद और काम करावे पोटा थपने का। मेरो भी नाम इमरती है, मरने तो यही काम में मजो आ रहे है। तने कौन सो गोबर में इमरती को स्वाद आ रही है? अरे स्वाद तो तन्ने आ रहे है, नाव है तेरो घेवर और काम कर रहे हो पोटा थापने को। पोटा तो यो थाप रहे हो जिया कढ़ाई में सुघेवर को घाण काट रही है। बड़ोकड़ो खटेगो। नाराज क्यों हो रही मारी धानी, मारी प्रेमली बोर। काल शिवरात्रि है बट मैं तने घेवर गुड़गुला मालपुआ चेक क्यों खवासू? बस तू एक बार चाल वाके हाँ कर दे फिर देख थारो मूसल चंद सब काम पटा दे। साचे हाँ। शिवरात्रि पर चलांगा? हाँ साचे। हर्ष भाई सा बाई सा दोनों मैंने बोलिया ते दोनों भी मारे सागे चाल जो। जब भोलेनाथ की कृपा रही आपने पर तो फिर आपा भी अगले साल जोड़ा सु बीन बीन ही बनकर चलांगा। थारी हाँ। बाता सुनकर मारो जी घनो ही सोरो होयो ने मारे केवल। बस इमरती एक बार ब्याह हो जाने दे, मैं तने सारे खेता की सैर कराऊंगो। मारी रानी क्या खबर ले आई है? खबर तो बहुत ही जोरदार ले आई हूँ, सुनोगा तो तबीयत तर हो जाएगी। तो बता बात क्या है? पदमपुरा में शिवरात्रि के दिन शिवजी के मंदिर में पूजा करने के लिए हरस अपनी बहन के साथ आवेगो। लोहासू लोहो टकराने को यही सही वक्त है। शाबाश मारी मन भरी, शाबाश। थारी आ खबर तो वाकई जोरदार है। जालम गंभीर हिम्मत। जी हुजूर। जाओ पूरी तैयारी कर लो, जाओ। जी हुजूर। मन भरी हर्षो तो गयो। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। अरे भाई बी दिन के हुई हो, मैर गए हो रही हो बीमलियो तीन ऊपर डांगला पर बैठिया। अब बैठिया आ तो कहीं हो कि भी डोली को ऊपर एक बांध रुआर बैठ गो लेकिन पूछड़ी लटक रही। और वो जो बीमलियो है ना भी पूछड़ी ने पकड़ ली। अभी के बाद में गे हो रही के बोलियो, गे हो रही बोलियो कि देखो भाई साहब रस्सी रस्सी। अरे मैं खुद रस्सी को नहीं आ तो बांध रहा की पूछ है। अरे भाई बहुत मजा आया अभी दिन तो। चलो भाई साहब आपा घर चला। बोल हर्षा बोल, हाथ तने जोरावर के हाथ से कौन बचावेगा?
आओ अब आप बिटिया से चलती आ रही अपनी खानदानी दुश्मनी की शुरुआत फिर उसे करा। मत तो समझो हो बड़का की दुश्मनी बड़का की साथ ही चली गई छे, लेकिन अगर तू भी दुश्मनी की शुरुआत फेरू करवा मांगे छे तो लाओ मैं भी तैयार हूँ। हर्षा मैं तो आज यही डर के आया हूँ कि दूध की जगह तारे खून से शिवजी को स्नान कराऊंगा। भाई साहब देखो के हो आज ही घमंडी को अभिमान धूल में मिला दो। जोरावर मैं आज तक मारी बहन की कोई बात को टाली है और आज मैं तने तेरी औकात बता कर ही रहूंगा। तो सम्मान मारो वार। अगर ये फेरू ऐसी भूल करी तो मैं खुद ही को संगार करूंगी। भाई साहब ठीक कह रही है। हर्ष भाई साहब छोड़ दो इन्हें। मैंने बता क्या सोच रही तू? तू ठीक तो है? क्यों नहीं मासा? तैं तो यूं ही परेशान हो रहा हो। मैं तो ठीक हूँ। पत्तो नहीं ना की हो गयो। तो बाप पदम पूरे गांव के ठाकरा की लाड़े सर है। हाँ भाई, तू कियो जना तो पतो लगानो ही पड़े। और भी को नाम आबड़ दे है। कुवरी है सोवनी ना भी बहुत सोवना है। के कहना चाहे भाई? मैं तो यू ही कहना चाहूँ कि बी दिन आप दे बार बार भाई साहब का नहीं देख रही। क्यों भाई साहब दोनों की जोड़ी ठीक रहेगी ना? भाई तू तो मेरे मन की बात कह दी। तू कहे तो काल ही पदमपुर जाके भाई हर्षा की बात पक्की करी आऊ। भाई जी बड़े भाई साहब। अरे क्या बात हो रही है भाई बड़ा में? बात तो घनी चौकी हो रही है भाई साहब। मने भाभी सा के रूप में आभर दे चाहे। कौन आभर दे? अरे भाई मंदिराली। मंदिराली? हाँ मैं भीमा भाई सा ने पदम पूरे गांव भेज रही हूँ रिश्ता की बात पक्की करने के लिए। अरे भाई आ तू के कह रही है? अरे थारे ब्याह के पहले मैं मारे ब्याह की क्या सो सकू? ये बात बाद में, पहले मेरी इच्छा पूरी होगी। भाई तने तो बेरो है, मेरे एक सपनो है तेरो धूम धाम से ब्याह करूँ, घना सारा लोगों ने बुलाऊ। यही मेरा माँ बाप की इच्छा थी, जना ही बाकी आत्मा ने शांति मिलेगी। मैं भी जो कह दी सो कह दी और जिया मैंने कह दी बीआईओसी मेरे भाभी सा के रूप में आभर दे चाहे बस। अरे भाई सा लाडो, अरे मेरी भाई भाई का कहीं नाराज नहीं हो जावे, भाई की बात मान ले, भाई बहुत जिद्दी है। अरे भाई बीमार लोग काई कैसी, गांव काई कैसी, समाज काई कैसी, लोग मारा कर्मा में धूल गेसी,
तू आ बात समझे है ना मतलब? अरे मैं मारी लाडकड़ी बहन के पहला मारो ब्याह किया कर सकू? मैं भाई की बात कौन टाल सकूं? मैं तो काल ही पदमपुर जाके तेरी बात पक्की करी। तो तने मारी बात से कोई मतलब कोनी? तू जाने थारी भाई जाने, तू भाई की सुन भाई थारी सुन से मैं चालियो। तू फस गयो भाया, तू तो फस गयो। ओ बन्ना संभाल के जा जो रिश्ता पक्का। अच्छा भाई चलो। तने के हो गयो, पानी ढूल लियो। काई नहीं बाबू साहब, काई नहीं। आजकल इन्हें के हो गो, लागे कोई वैद्य ने दिखानो परसी। धन घड़ी धन भाग, जो आप पधारिया। मारे लिए इसु बढ़कर सौभाग्य के बात कोई हो ही नहीं सके कि मारी लाड़कड़ी हर्ष जी ने परणे। मारी भाई साने थारी कन्या बहुत चौकी लगी है। आ तो जीवन भाई को ही आग्रह है। मन्ने थारो यो संबंध मंजूर है। मारी तरफ सु तो रिश्तो सवा सोलह आना पक्को समझो। तो बच काल ही शुभ घड़ी में नारियल भिजवा दियो और ब्याह की तैयारियां शुरू करो। अब शुभ काम में देरी क्या कीजिए, मारी तरफ सु तो सब तैयारियां पूरी है। अब मने लागे है कि बैद जी ने बुलाने की जरूरत को नहीं है ना लाडा। मेहंदी रचे
चोखो मौको है, इसो मौको बार बार हाथ नहीं आवेगो। तू ठीक कह रही है, मैं पूरी तरिया तैयार हूँ। जैब की बार चुकी है ना? चुकने में तो पहले भी कौनी चुकतो, पढ़ेन मौके पर भीमो जाट बीच में आ गयो, पर अब की बार बीने भी कौनी बख्शू। मैं बताऊंगो बिने इस दोस्ती को की अंजाम होवे। मैं जाऊं हूं, थे सावधानी बरतियो। हाँ बैण को ही बड़ो हर सो जावे, भाई ने खुद हाथ सु सजावे। वीरो मेरो भावज ल्यासी, ठीक रहेगा। अरे मैं राजपूत हूँ, लड़नू मेरा धर्म है। पंडित जी थे थांगी रसम पूरी करो। भाई थाने बाई नहीं सोगन है, थे बारे नहीं आओला जब तक चमरी पूरी नहीं हो जावे। ऐ लोगन मत देख लो। नहीं मेरा भाई, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा भाई है ना? नहीं भाई, बोल,
बोल, तेरे के हो कुत्ता बेला, हरस, बोल, हरस, बोल, बोल, हरस, बोल मेरा भाई, बोल, तेरे के हो, भाई ने क्या जवाब दूंगा, बोल, बोल मेरा भाई ने, भाई ने कही, मैं पिता वचन निभायो, नहीं बीमा, भाई को, भाई को ख्याल रखी रखी सब अरे वाह जाटलनी का जाया वाह शाबाश है तने अमर है तू तेरे जिया का वीर इस धरती पर कमी जन्मिया है बाई ने जो बचन दिया बचन निभायो रे भाई दियो बलिदान आपको सुर्ग सीधायो रे मैं मारो एक दुश्मन ने तो मौत के घाट उतार दियो है पण मारो साचो दुश्मन मारो हाथ को नहीं आयो तो के हुयो पण भीमा जाट ने मार के हरस को दानो हाथ तो काट दियो ना थे जाट और राजपुतान के भाईचारे की धज्जा नहीं उखाड़ कर फेंक दी नहीं हाँ यह बात साची भीमा ने मार कर मैं मेरे रास्ते को बहुत बड़ो रोड हटा दियो है पण मन भरी अब आपने और भी ज्यादा होशियार से काम करना पड़ेगा या भीमा की मौत हर्षा ने शांत नहीं बैठने देगी बदले की आग में वो वक्त को इंतजार नहीं करेगा इससे पहले कि वो अपना पर वार करे आपा ही बीने छल और बलसू खत्म कर देवांगा मन भरी अब तो आर या पार की लड़ाई है यदि आपा जीत गया तो मैं तने मारी रानी बना रखूंगो जी हैली में आज तू नौकरानी है भी हैली मैं तने मारी रानी बना कर रखूंगो अब तो थारी जीत में ही मारी जीत है और थारी हार में मारी हार है बीमो मेरो भी तो भाई थू और फिर बी का बलिदान ने मैं क्या बोल सकूं और बी की मौत को बदलो लिया बिना मन ने भी चैन नहीं है बीमा भाई साहब को हत्यारो बचेगा नहीं माँ भवानी की शक्ति बी की मौत बनकर बने अठे खींच लावेगी मेरो भाई को बलिदान बिरथा नहीं जावेगो भाई साहब भीमा जैसो वीर भाई बात का धनी ई धरती पर कमी हुए है जितनो गर्व मने थारा भाई पर है उतनो ही मान सम्मान मैं थारो भी करूं हूं मैं भी देखूंगी कि तेरो दियोड़ो यो मान सम्मान कितो दिन टिके है तू ही घर में उचास फैलाने आई है ना मैं तेरा सुई ही घर में अंधेरो नहीं कर दियो तू मेरो नाम भी मन भरी नहीं है अरे यहाँ उदास क्यों बैठी है मारे मन की फूली क्यों तबीयत ठीक होनी क्या थारी ठीक है तू जीम ले और मैं यहाँ नहीं जीमू जब तक थारा मन की बात नहीं जानू तब तक मैं भी कोनी जीमू मने ई मन भरी का लखन क्यों ठीक कोनी लागे क्यों तने क्यों कह दियो के मने कह के बा कौन सा सिट्टा तोड़ेगी मने जाने कोनी के बा बेचारी के फेर क्यों गेल पड़ी है बेचारी और बा
वाह मारा खेतरपाल वाह। तने बेरो है मन भरी दूर खड़ी बाई सा और हर्ष भाई सा ने घूरती रहवे है। मन ने बी की एक काचरी सी आख्या बिल्कुल चौकी कोनी लागे है। अरे जद हर्ष भाई साहब इन्हें अनाथ समझ के शरण दे रखी है तो आपा कहीं कर सका हा? लेकिन एक बात है थारे जाल में वो मणवरी फंसकर कटे जाएगी। वो केवरी है ना वही आज तक फंसी हो है आज तक वही नहीं निकल सके तो वह क्या निकलेगी। जाल तो बाप फैलारी है बुझाई के घिन्नी के जिया चक्कर लगाती रहे है। अरे थार लुगायों का स्वभाव तो बड़ो जड़ोखड़ो हो। मैं जानू थारी सारी बात क्या तो बात को बतंगड़ बनानो तो जानो मैंने सब बेरो है थको सारी अक्कल को ठेको तो था मर्दा नहीं दे रखा है। ना है घेवर बात आ करे खारी खारी। ले आ ले तू जीम ले मैं तो चाली। अरे रुक मारी धानी मारे दिल की धानी मारा मालपुआ ओ मारा पुआ। अरे रुक जा मिश्री चाशनी कढ़ाई ओ मारी पताशी रुक जा। आभी तिखी मैं काई करूं नाम तो मारो घेवर चंद मैं भी गुड़ की बेलू मैं थारे पाछू मैं आऊ मारी फूली। रूप तो घना ही देखा पर थारो जैसो रूप मने पहली बार देखने को नसीब हुई है। गांव की लुगाया सांची कवे इतनी सोनी स्वरूप बीननी आसपास के 100 गांव में भी नहीं है। बस बस बहुत हो गयो है पहले मने या बता थारो गांव कौन सो है। वोई जिको थारो है थारे ही गांव की हूँ मैं पदमपुरा की। अरे वाह जाना तो आपा दोनी एक ही गांव का है। मैं तो कहूँ ओ गांव भी धन्य है और भाग्यशाली है हर्ष भाई सा जाने इसो सुंदरता को खजानो मिलियो है। मनभरी तू आटे के कर रही है जा रसोई में आटो लगा। जी भाई सा मारी प्यारी भाभी सा को आटे मन तो लागो ना मन लगाने के वास्ते थे जो हो था सब लोगों का प्यार दुलार और इसने मारो मन मोलियो है। मन तो मारो थे मोलियो भाभी सा थारे ई भोले मुखड़े के आगे चंद्रमा की चांदनी भी फीकी पड़ जावे उगते सूरज की लाली लिया थारो यो रूप ई घर के कुणे कुणे में उजास फैला रखियो है। नहीं भाई सा ई घर को उजास ई घर को प्रकाश थासु है थारी इच्छा सु तो मैं ई घर में बहू बनकर आई थारे बिना असो रूपाड़ो परिवार मने कठे सु मिल तो बस थे घर में मौज करो घने मान से रहो सका आदर करो कुल बहू को कांड का तो बनाया रखो मैं तो यही चाहूं। थे जिया चाहो दिया ही होसी आओ भाईसा थारा बाल बना दियूं बैठो। वाह जीको काम मारा भाई सा करता वो ही काम मारी भाभी सा कर सी यह सुनकर मन ने बहुत चोखो लाग्यो। मैं जैसी सोची ही मारी भाभी सा उससे भी ज्यादा चोखी है। हे भोलेनाथ तू आ दुनिया के बीच में सदा इसो ही प्यार बनाए राख जे बावज लाड लडावे जीने में वारी वारी जावे घने कोड सु घने चाव सु मुलक मुलक बदलावे घने कोड सु घने चाव सु मुलक मुलक बदलावे घड़े मान
नहीं सा आज तो थैंक यू खायो ही कोनी थे कहो तो मैं थारे वास्ते थाली पुरुष कर लिया हूँ कौन कहवे है कि मैं जिमी कोनी केवे कौन हो मैं देख रही ना जाना तो तू ठीक से देखी कोनी मैं तुम्हारी ननद बाईसा के सागे ही जिम ली बे तो भाई और बहन जिम रिया हाँ और थे बाने जिमा रिया हाँ इया थे भूखा पेट रहोगी तो या कोमल काया चार दिन माही कुमला जावेगी ओ थारो मन को बहम है बठे कोई भूको किया रह सके है जथे प्यार और स्नेह मिले है जथे खुशियां की मिठास हो मिठास ने खटास में बदलता कितनी देर लगे है के मतलब बीनणी सा मैं तो थारी दासी हूँ थारी सेवा ही मारो धर्म है थारे लिए मैं मारी जान भी दे दियो तो कम है पर यूं नाराज होके मारे करने मत देखो थारी बाता में मने बनावट की बू आ रही है आगे सु मेरे सागे सोच समझ कर बात करियो वरना अरे के बात हो रही है मनबरी भाई सु कोई खास नहीं आज की रोटियां खाकर मारो पेट तो भर गो पर मन को नहीं भरियो क्यों मनभरी हाँ बीदिनी सा धीरे धीरे मन भी भर जावेगा
लगे है चूल्हा में आंच कम है, थोड़ी और लगा दियो। नहीं नहीं, ज्यादा आंच को नहीं लगे, वरना रोटी बल जावेगी। ले भाई साहब, ठेको तो मैं घी काट दियो। ठहर जाए मती, आल देर है, जा वो टोपियो ले आ। हाँ भाई साहब। हाँ। ओढ़ना ले लियो, चुन्नी ले लियो, पीला पोंछा ले लियो, लहरिया ले लियो, और आओ बंसीलाल आओ। जय माता की। ले तू घी काट ले। भाभी सा थे उठो, ले आओ मैं सेक। अरे रह बा देओ भाई सा, थोड़ी सी रह गई। ले आओ। ए जीवन भाई सा, अठे आओ, देख के सुना सुना कपड़े ले आयो बंसीलाल। आजा सोन चिड़गी। हाँ आजा। भाई सा, मैं आ रही हूं। आज तो अब लग सी। भाई साहब जय माता की। आओ जय माता की। देख नया नया चल्ला का कपड़ा ले आयो है। हाँ भाई साहब, कपड़ा तो बहुत बढ़िया है। ले आ, काम तो हो गयो। अब मन ने मारो कमरो साफ करनो है। चल आपा चला। चलो कुंवराणी साहब। जय माता की। जय माता की सा। ओढ़ना ले लियो, चुन्नी ले लियो, पीला पोंछा ले लियो, लहरिया ले लियो। भाई साहब, भाई साहब, थाने माधोपुर का सरपंच पूरनबल चौधरी याद करिया, जल्दी चलो। अरे हाँ गेवर, मैं तो भूल ही गो। चल भाई चल 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 भाई गेवर चल। भाभी सा, बड़ो सवाल तो यो ही है कि भाई सा ने ही कपड़ा खरीदवा के दिया है। ईसु बड़ो पक्षपात और के होवेगो। शांति सु बाता कर मन भरी, इतनी उतावली मत बन। अब थे मेरी जान भी मांगो तो मैं बिना ना नकुर किए दे दियो, पर मारे से तो कहिए बिना को नहीं रही हो जावे। हाँ तो बोल, थारा मन में जो है बोल। मैं क्या बोलूं, मेरो तो हिवड़ो रोवे, जना बोलना पड़े है। हरस जी थारे सु ज्यादा भाईसा ने माने है। आज भाईसा की नजरा में थारी कीमत एक दासी से ज्यादा क्यों भी नहीं है। लुगाई को घर बिके मोटियार सो होवे है, जब तानी थे थारे मोटियार ने बसमा करके नहीं रखोगी, यो घर थारो कोनी को हावे। कहने ने तो थे ई घर की कुल बहु हो, पर ई घर पर राज चाले है पैसा को। जब ताणी बाईसा ई घर में रहेगी, अठे की मालकिन बनकर रहेगी। जब ताणी नाए थारे पसंद की चीजा खाने की आजादी है और नए नए कपड़ा गहना खरीदने की। तो मैं अब क्या करूं, या तो मैं सोची ही कोनी। दुनिया में जो हो तो आयो है, मैं तो थाने भाई बात कही है। जे मैं थाने क्यों गलत कह दियो हूँ, तो थे माने जूता मार मार के घर आसू काट सको हो। पर एक सोमनी सुरु बहु की ई तरिया अण देखी, मेरे से तो सैन को नहीं होवे है। हर युग में होवे है मंत्रा, जी की घर न फुड़ावे है। भले घरा की भली लुकाया, का मन पलटी खावे है। भले घरा की भली लुगाया, का मन पलटी खावे। मेरो तीर निशाने पर लागी गयो। आबल दे के दिमाग में मैं ईर्ष्या और जलन के जहर का बीज बो दियो है। शाबाश शाबाश, मारी मन भरी शाबाश। थारी आ खबर तो बाकी जोरदार है। हाँ, और सुनो, यही सही बखत है तीर चलाने को। कौन सो मौको, कोई खास बात? हाँ, ई कारण तो मैं आई हूँ। कल राखी पुन्यु है, मैं चाहूं
यो हर्ष और जीवनी के जीवन की आखिरी रक्षाबंधन को दिन साबित होवे। बाकिया क्या मन भरी शाबाश मारी मन भरी शाबाश। राखी बंधा ले मारा वीर, राखी बंधा ले मारा वीर, छोड़ी बैनर उतारे थारी आरती। हारे सुख दुख में है मारो सीर, वीरा सुख दुख में है मारो सीर। मैं तो मालड़ बापू जी थाने मानती, राखी बंधा ले मारा वीर, थारी बैनर उतारे थारी आरती।
जल्दी आओ। के है? क्यों रोड़ा मचा रही है? चोर अपनी गाय ले गया है। चोर दो चार गाय के ले गया? तू तो पूरा गांव सर पे उठा राखियो है। तने के खाता राखिया है कि जानवर की रक्षा को नहीं कर सको। जानवर क्यों यो? अरे भाई साहब, चोर अपनी गाय खोलर ले गया। भाई साहब एकली वा के पाछे पाछे तलवार ले गया है। हां जीवन भाई साहब एकली गई है। मारियो जानवर, अजी सुनो, मारियो। की छिलाई ना तो तू आई है। हर्षो कोनी आयो? देखो के हो, पकड़ लो इन्हें। लौट यो। भी कर सकू हूँ, पर तेरी मौत को फैसलो मेरी तलवार करेगी। तू जादूगरनी है, तारो जादू मारे पर नहीं चलेगा।
जीन भवानी। आज राखी पुण्यु के दिन में तेरी रक्षा करने को वचन दियो हो, पर आज तो तू मेरी रक्षा करी है। तू धन्य है मेरी बहन, तू धन्य है। भाई साहब, अरे गेवर, आज सब लोगों ने बोल कि गाय लेके पाचे पाचे आवे। चलो अपनी गाय ले चलो। बोलो जीवन भाई साकी, हर्ष भाई साकी, जीवन भाई साकी, हर्ष भाई साकी, जीवन भाई साकी, हर्ष भाई साकी, जीवन भाई साकी, हर्ष भाई साकी। ले गेवर, ले इमरती, आज की विजय को पुरुष रे थाने है मारी बहन। नहीं भाई साहब, विजय तो आज थारी हुई है, पूरे गांव की हुई है। भाई साकी, भाई साकी, आओ वहां पर दे आओ। मारी बहन को आर तो उतार। आज मारी बहन जोरावर जियान का दुष्ट को संगार करियो है और मारा धर्म भाई बीमा की जान को बदलो लियो है। ये गांव की रक्षा करी है, मेरी गाय की रक्षा करी है और थारा सुहा की रक्षा करी है। आओ आओ मारी बहन का वार ना ले, आबड़ दे आओ। गांव और दुनिया ने दिखाने की खातर आनो तो पड़ोगो ही। जोरावर! जोरावर! जीवनी, जोरावर ने मारकर तू तुम्हारी दुनिया ही उजाड़ दी, पर तू ही मारा फैलाएड़ा जालसू नहीं बचेगी। मैं जोरावर की मौत को बदला लेकर ही रहूंगी जीवनी। वो तो मैंने पहले ही मालूम हो, बाईसा में भवानी को तेज है। बाईसा कई बार आपको पर्चो दे भी चुकिया है। अरे बाईसा के रहता आपने कोई क्यों को नहीं बिगाड़ सके। बाईसा को आज पूरा गांव मंगल गीत गावे है। हाँ घेवर, तने मालूम है आज गांव की सारी लुगाईया बाईसा का गुण गा रही हैं। अरे ये तो आपनो धड़भाग है जो आपा बाईसा और हर्ष बाईसा के शरण महा। पर यह बात मन भरी क्यों को नहीं समझे। अरे नहीं समझेगी तो गत्ता सुझावेगी। बाईसा सब समझे है पर बिना मूर्ख समझकर माफ कर देवे है। पर कदे तो पाप को घड़ो फूटेगो ही। अरे मनी याद आई, तने पानी भरवा भी जानो है। आज मैं भर दियूं तो मैं तो रोज ही बाईसा और भाभी के साथ पानी भरने जाऊं। तो कौन से दिन मटिया मार भर के ले। मने लगे आज भी रूठगी। अरे मारे मेटी को लाडू। ओ बाजे गिरावड़ी, मने लगे आज भी रूठगी। पतारों का रूठने को और मारो का मनाने को। कहने ने तो थे ई घर की कुल बहू हो, पर ई घर पर राज चाले है पैसा को। लुगाई को घर बिके मोटियार सो होवे है। जब ताणी थे थारे मोटियार ने बसमा करके नहीं रखोगी, यो घर थारो कोनी को आवे। बात है की सोच रिया हो। देखना भगवान मने कितनी तेजस्वी बहन दी है। और बीनणी? बीनणी दुनिया की सबसे सुंदर लुगाई। तो कमी के चीज की है। बस कमी तो यही है कि मैं तेरी तरफ ध्यान कौन दे पा रही हूँ। तो की होगो, मारा तो सबसे प्यारा सबसे कीमती तो थे हो। थारे बिना मारे जीवन में क्यों भी नहीं। तेरी यह बात ही तो मारो मन मोले हुए है। खाली बातों से तो पेट को नहीं भरे है। मैं क्यों समझो को नहीं। थाने में जल्दी ही समझा दूंगी मारा छेल भवर। बाईसा जरा थे तो आओ।
हाँ भाभी सा, के बात है? जरा यो घड़ो तो उचवा दियो। भाभी सा थाने बेरो है, आज तक भाई सा ने कोई घड़ो उचाने खातिर को नहीं कहो। याई बड़ी बात है कि अपने सागे आवे है। या बोलकर मैं कोई पाप कर दियो है? घड़ा उचवाने की तो बात करी है, कोई पहाड़ उठाने की बात तो को नहीं करी। भाभीसा, मैं तो थारो घड़लो उचवा दियो, अब थे मारो घड़लो भी उचवा दियो दिखा। अब जदि मैं थारो घड़ो उचवाऊंगी तो मने झुकनो पड़ेगो, और जदि मैं झुकूंगी तो मारी कमर में मोच आ जावेगी। मन भरी तो ही उचवा दे इना को घड़ो। आजकल भाभीसा का तेवर बदलिया सा लगे, थे कहो तो मैं उचवा दूं थारो घड़ो। रहन दे, मैं उठा लूंगी। जैसी थारी मर्जी। भाईसा, आकी नियत कुछ ठीक कोने लागे, या तो लगा लोतरा लगान वाली लागे है। चलो भाईसा घरा चला। रोज हमेशा नित की पहली घड़ो बहन को उतार तो हर से को यो नियम अटल हो हर सो इन नटाड़ तो पण कुटिल चाल भाभी के आजिया काम गजब को कर दी रे उतारो पहली धड़ को जीन देखती रह धीरे घड़ो उतारो पहली धड़ को जीन देखती रह धीरे। भाई साहब, थाने भादर गांव का सरपंच याद कर रहे हैं, जल्दी चलो। चल। हरिओम 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 हरिओम। जीवनी कोनी आई? ए अठे ही है। कटे है? ओ जीमा ने, ओ लाडे सर आओ जीमा। अरे अठे ही है। तो आई क्या कोनी? भाईसा कोनी आवे। कोनी आवे? क्यों कोनी आवे? बाको माथो दुखे। माथो दुख रहे? मेरी लाडे सर को माथो दुख रहे? एक काम कर आबल दे, तू जीम ले। मैं जा रही हूँ मेरी भाई साका करने, और मैं भी ने कहूँ और मैं भी ने जिमा कर आऊँ। बीको माँ तो दुख रही और मन नहीं पतो कोनी, तू जिम ले आवर दे, तू जिम ले। मैं आ रही हूँ लाडो, मैं आ रही हूँ। आज तो माँ तो ही दुखी है, अब थोड़ा दिन आमा जीवड़ो भी दुखन लगेगो। मंत्र बन के आई है, थारी कड़क सा बोली थारे करने रख, नहीं तो तू क्या करेली? सुन, या कहीं करसी करसू तो मैं, और मैं वही करसू जो लक्ष्मण जी सुरपणखा के साथ करे हो। इन्हें घर आने के बाद ली आ तो चौका में घुसगी। चल चल हो गो, आज को जिमड़ो तो आजा। बड़ो राम जी को भाई बनने आयो अठे। की बात है बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माथो दुख है? साची साची बात बता जी, तने मेरी सौगंध है। नहीं भाई सा, थे मने सौगंध ना खड़ा, मने आज माँ की बहुत याद आ रही है। माँ की याद आ रही है? चना तो मारा सुई कोई गलती होगी, मैं आज जानू आजकल काम ज्यादा लेने की वजह से मैं तेरा पर ध्यान को नहीं दे पा रही हूं, लेकिन थारे प्रति जो मेरे दिल में मान सम्मान है भी मैं लेस मात्री भी कमी नहीं है। तू मेरे लिए आज भी भाई छोटी सी सोन चिड़क लिए, छोटी सी बहन है तू मेरी। अरे तनु पतो है, तू तने उदास देखकर तेरा भाई किया सुखी रह सके, किया सुखी रह सके। अगर तने कोई क्यों कह दियो है तो तू मने बता मेरी बहन। नहीं
मैंने कोई क्यों ही को नहीं कहो, बस आज मैं नहीं आई, उदास हो गया। मेरे रहता एक भाई के रहता भेड़ को मन किया उनमनों से हो सके, किया हो सके मेरी लाडू, तन पतो है काल हो गया अरे गोबर में पड़ गो ले 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 जीम ले काल से क्यों जीमी को नहीं ले मेरी लाडू ले भाई सा ले लाडू तू जीम ले लाडे सर तू जीम ले तू गल से मुक्की लाडो ईर्ष्या द्वेष जलन की आगी भाभी के मन जागी हर्ष जीण के जीवन में अइया फेरू बदली छागी हर्ष जीण के जीवन में अइया फेरू बदली छागी बस मेरे पेट भर गयो अब थे भाभी सा को भी तो ध्यान रखो बथारे बिना भूखा बैठा उसी थारी भाभी सा बहुत चुकी है और तने चाहो भी बहुत है तो पछी मारी भाभी सा ने क्यों परेशान करो हो ठीक है अब तू सो जा मैं चालू लाडू हाँ। है लाडू हाँ। चलो हे भोलेनाथ रात बोली होगी अब थे थारो जी ना जलाओ सो जाओ जी तो मारो जीवनी बाल रही है लगे है कुंवर सा आ रही है मैं जाऊं अरे आबल दे तू सोई कोनी के जी लुगाई को मोटियार जीक करने नहीं हुवे है बिना नींद किया आवे मैं तेरी भावना ने समझू यो भी तेरो प्रेम को प्रतीक है मैं कितो भाग्यशाली हूं कि मन भगवान तेरा जैसी सुंदर और समझदार बीनणी दी है बाईसा की तबीयत किया है बाईसा की तबीयत तो ठीक है पर तू आ जाती तो बिका दिल की बात जान लेती मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगो आखिर मैं थारी बीनणी जो हूं अच्छा यह बता तू जिमली ना मारो पेट तो भरेड़ो है फिर यहां कर चल सो जाओ रात बोली हो रही है अरे भगवान तेरी जो जब तक जीवनी ने पूरी तरह से सुला नहीं देऊं तब तई मने सुख चैन की नींद की आ सके है आज मैं हरस को काम तमाम कर दूंगी हेरा बल दे और जीवनी ने खत्म करना कौन सी बड़ी बात है मनहरी दूध तैयार है के हाँ भाईसा भाईसा ने खेत पे जाने में देरी हो रही है ले मन्ने दे मैं ले जाऊं आया कर ये टोपी और दो ग्लास लेकर बैठे आ जा जी भाईसा दो गिलासा भी मंगवाया है लगे है ये दोनों भाई बहन सागे ही सलटेगा अरे वो मैं सो पड़े कि पड़ते ही रहेगा चल 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 भाई चल गए और हां भाई साहब पहले दूध तो पी जाओ मन भरी लेकर आ रही है हाँ। और क्या हमारी लाडो ठीक है लाते मने लिया पहला दूध पीसी मारी लाडे सर भाई सा ले पी देख ना मत बोलिए आप पियो कुंवर सा भाई सा के लिए दूध तो घड़ो यही टोपिया में भाई के हाथा से तो पहली बहन ने ही नसीब हुए है या पहली पीने को हक मन्ने माँ भगवती ने ही दियो है
बस कर जहर जीण भाई पीगी जहर बन्यो अमृत देखो काल जियो काप्यो बेरन को इबड़ो हाल गयो देखो काल जियो काप्यो बेरन को इबड़ो हाल गयो देखो जहर नकली हो सके पर मन भरी नकली नहीं अगर मैं जीवनी और हर्षा के जीवन में जहर नहीं घोल दूं तो मन भरी मेरो नाम नहीं भाभी सा बुरा ना माने तो एक बात कहूं हाँ बोलना क्या बात है जीवनी बाई को जल्दी से ब्याह करवा दियो जब तक बाई घर में रहेगी ई घर की मालकण बनकर रहेगी एक काम दो काज हो जावेगो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी तू चिंता मत कर आज मैं सारी बात साफ साफ करशियो पानी सर के ऊपर जा रही है जे अब की बार चुगया ना तो पछताने के सिवाय क्यों भी हाथ नहीं आओगो अरे के बात है आज तो बड़ी खुश लग रही है कोई खास बात है के खास तो है थाने तो फुर्सत मिले कोनी सो बाईसा के ब्याह के लिए मैं एक छोरो ढूंढियो है चोखोर खानदानी भी है अरे तू तो मेरे दिल की बात कह दी लेकिन एक बात बताऊं मने यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि तू बाईसा को कितरो ध्यान रखे और फिर सुकाम में देरी की बात की तू कहे तो अभी बुलाऊं ए लाडो आजा ऊपर आजा भाई आजा लाओ जब तक आपा दूरी बैठकर बात कर चलो चलो तू भी इन्हें समझाने की कोशिश करिए छोटी है टापर है और फिर सब कुछ मन ही देखनो है और बात ठीक है थोड़ी भोली है कदी कदी बचपनों भी कर जावे पर बी की बात को बोरो नहीं माननो के बात है भाई साहब आज तो भाई साहब भाभी साहब दोनों ही खुश नजर आ रहे हैं कोई खुशखबरी है के अरे भैया मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी है पर तू ना मत करिए मैं और तेरी भाभी नक्की करी है कि तेरो ब्याह जल्दी से जल्दी कर दिया और धूमधाम से कर दिया जल्दी से जल्दी भाई साहब के मैं थारे पर बोझ बन गई हूँ सोते जल्दी से जल्दी यो बोझ सर से उतारना चाहो हूँ बाण बेटी भी कदे बोझ हुए कि तू तो ये भाई की आत्मा है ये घर को प्रकाश है फिर थे मन इस घर से दूर करने की क्या सोच रहे हो नहीं लाड़ो मन ने मेरो धर्म भी तो निभानो है और बड़ो भाई बाप का बराबर हुआ है और मैं चाहूं कि तेरो कन्यादान मैं कर दूं तेरो ब्याह कर दूं और यही माँ बापू जी की इच्छा ही जना ही बाकी आत्मा ने शांति मिलेगी और यो ही मेरो धर्म है सबसे बड़ो धर्म तो मानवता को धर्म है मानवता की सेवा करने को धर्म है थे साची कह रहे हो बाईसा पर एक धर्म के सागे कई धर्म जुड़ा है गृहस्थी जीवन भी तो एक धर्म है तेरी भाभी साची कह रही है तू ब्याह के लिए हाँ कर दे नहीं भाई साहब अभी वो बखत को नहीं आयो अभी तो मने माता माई की कृपा से बहुत काम करना है अरे तू मने बता भाई तेरा सगड़ा काम मैं कर देशू तू मने बता तेरा कुनूर सा काम बाकी है तेरा सारा काम मैं कर देशू पर तू ब्याह के लिए ना मत करी तन मेरी सोगन ना भाई साहब ना थे मने सोगन ना कड़ाओ भाई साहब थे मने सोगन ना कड़ाओ जी अमीनक ने आपका सास खुद लेना पड़े है बी आई मने भी माँ भगवती देवी को आदेश खुद ही पालना पड़ सी ए मैं थारो ब्याह कठे आड़ो आसी
ब्याह तो थाने करनो ही पड़सी। हाँ, जद मेरी माता माई को हुकुम हो सी, जद मेरी माता माई को हुकुम हो सी। देखो ना, थारी बात भी कोनी मानी। थारी बात सांची है, मने लगा बाई ने अपनी बात खाना बुरी लग गई, चनाई बा नाराज होकर चली गई। मैं भी ने समझा कर आऊं, न रात न बा सो पावली न आपा सो पावला। अब तू ये काम कर, तू लेट, मैं भी ने समझा कर आऊं। है तो आज तारो यो तीर भी खा ली गयो। हाँ, ना जाने विधाता इन्हें कौन सी माटी सु घड़ी है, बड़ी ही जिद्दण है। मेरा ही भाग में इसी नणन क्यों लिख दी भगवान। थारे भाग में नणत नहीं, आग है आग, चीको थाने कदे भी जला कर राख कर देवेगी। यह जादूगरनी कदे भी क्यों भी कर सके है। और थे या क्यों भूल रही है कि ई घर पर बिको राज है, वाजे कर दे सो सही। नहीं नहीं बा, बा या को नहीं कर सके। और तू तू मने भड़काओ मत, जा जा ठेसू। भारी भोली कुवरानी सा, इतनी भोली मत बनो। थारे हिवड़ा का द्वार खोलो और सच्चाई नी पछाणो, या जीवनी कदे भी रात ने थारो गलो मोस देगी और सवेरे सहने कह देवेगी कि रात में मारी भाभी ने पिवनो सापी गयो। सोच लियो, थे तो बिना हिचकी लिए ही जान सू जावागा। नहीं नहीं, मारो धनी मने बहुत प्रेम करे है, बे बे इया कोनी होने देवे। कुंवर सा को के है, वे तो थारे मरता ही दूसरो ब्याह कर लियावेगा, पर थे जान सू जाओगा, या सोच लियो। नहीं नहीं, मैं मरनो को नहीं चाहूं, मैं मरनो को नहीं चाहूं। तो फिर हिम्मत से काम लियो, थारे मान सम्मान की रक्षा के खातर आगे बढ़ो। जीवनी ने जीवनी की औकात दिखा दियो, थे यदि कमजोर बनकर रहोगा तो बात थाने खा जावेगी, और थे यदि हिम्मत सु काम लेवोगा तो सदाई जीत में रहोगा। अब या चौकी तरिया सोच लियो कि थाने रानी बन के जीनो है या तासी बन के मरनो है। नहीं, मने जीनो है, जीनो। आज सु मैं रानी बनकर जीऊंगी, रानी बनकर। या हुई ना बात, या तो हर या तो मर। की होयो? क्या होनो तो? हाँ? सारे दिन बाईसा का पाचे पड़ी रहे, बाईसा यहाँ कर दियो, बाईसा यहाँ कर दियो। और तन क्या मतलब है? बाहर दिन बह बह करे। और सुन, तन्ने मारी बाईसा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बिको बाई जिंदो है, जिंदो। और सो जा। काल को सूरज जीवनी का जीवन में ईसो ही अंधेरो लियावेगो। हो मोको है, कह दियो थारे मन की बात। थाने घर की नौकरानी बनकर भोजो ढोनो है या सत्ता की मालकिन बनकर राज करना है। मने सत्ता चाहे, मने मारा घर में राज चाहे। तो फिर कर लो बारी फैसलो, या जीवनी भी जान ले कि बाग कितने पानी में है। ओ भाभी सा, खड़ लो उचाओ दिखा। फूट गया? इया किया के
जिया पाप को घड़ो फूटे है बिया यो भी फूट गयो। भाभी के बात है थे कहने को चाहो हो कोनी समझी या समझ कर भी भोली बनने की कोशिश करे है। भाभी सा के हो गया थाने थारा मान मर्यादा संस्कार सारा ही भूल गया के तू मन्ने मान मर्यादा की बात सिखावे है तू मन्ने संस्कार समझावे है। सत्ता की लाल चिड़ी जी घर में मारो राज होड़ो चाहे वो घर तो तेरी मुट्ठी में है मारी गृहस्थी के ऊपर तू फंड फैला कर बैठी है। बस भाभी सा बस चुप करो। अरे चाचा तू मन्ने धमकावे है आज तो मैं तन्ने कह कर ही रहूंगी तू मारी नड़न नहीं नागड़ है नागड़ एक दिन तुम्हारा धानी ने भी डक के रवेगी। गया केस बदल गयो वेश रहो ना शेष पर जो मिल गयो जगदम्बा को मिल गयो रे आदि मन को पाप ये को पाप बन्यो रे श्राप भावज गई कांप जीन में हो सत को परता पड़ में टूट्यो मोह माया दुनिया को जंजाल बाई जीन की मात भवानी बन गिरे रखवा। दुनिया का छल फरेब ईर्ष्या द्वेष लोभ ने देखकर मेरो मन एक ही मोह माया से उच गयो है। जाओ भाभी सा करा जाओ मैं भी मेरे मार्ग पर जाओ। मेरो भाई सा ने मेरो प्रणाम कह दियो। जय अम्बे भवानी। नहीं मने माफ कर दियो मने माफ कर दियो मैं थाने पहचान को नहीं पाई। नहीं भाई सा नहीं मने छोड़कर मत जाओ तेरे भाई सा ने छोड़कर मत जाओ यो गाओ इधर दी ने छोड़कर मत जाओ भाई सा। मैं भगवान सूरज नारायण ने साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करूं कि मैं आज जन्म ब्रह्मचारिणी रहूंगी और काजल शिखर पर जाकर माँ भगवती देवी की तपस्या करूंगी। यो ही मेरा अटल निश्चय है। अब आने तू ले जा मने कोई कोनी रोक सके। चलो ना भाई घर चलो।
के बात है, सब लोग यहाँ खाली गड़ा लेकर आ रही है, भाई साहब भी कौन दिख रही, आबल देवी कौन दिख रही, हाँ कहाँ हो कोशी, क्या बात है, जीवन भाई साहब कड़े, आबल देवी कौन दिख रही, अरे आबल दे तू, अरे तू काली क्या पड़ गई, क्या हुआ, हाँ, और मेरी पैसा कटे, मैं बारी काली कर दूँ ताकि वजह से काली पड़ गई हूँ, यो मारा हृदय को पाप है, जिनकी वजह से सारा शरीर कालो पड़ गयो है। मैं मारी देवी जैसी लड़क पर झूठा ताना मारा है, मारी काली जबानी, मारी काली काया के रूप में पाप पड़ के प्रकटी है, अब तो मैं माफी मांगने के जोगी भी को नहीं रही, मने माफ कर दियो। अरे मने यह तो बता, हुयोगे और मेरी लाडो भाई कटे, भाई साहब यह भाभी साहब भाई साहब ने बुरा भला ताना मारियो है, भाभी साहब को बुरा भला ताना सुन के भाई साहब के मन में बहराई जाए क्यों, और भाई साहब जीवन ब्रह्मचारी ने रेण की सौगंध खा के काजल शिखर पर तपस्या करने चल लिया गया। अरे तू बराबर, अरे तू मर जाती, मैं आ रही हूँ बेटा। दौड़ो दौड़ो बीरो हर सो बाई ने मनावण चालो, काल जियो झुर झुर रोवे
पकड़ पे जी भाई सा Thank you.
ठीक है तू बाजी मत आ। अरे लेकिन मारो ब्याह करने की जिद भी तो थारी थी, पर बचपन से लेकर आज तक मैं तेरी सब जिद पूरी करिए जीवनी, सारी जिद पूरी करिए जीवनी, लेकिन तू ये हर्षा की इतनी सी बात भी को नहीं मान सके। अरे जिनासी बात को बुरा मान गई मेरी बहन। अरे कम से कम तू या तो सोच, बालपन में, बालपन में बेटा मैं तेरी छोटी कूद तो तेरा हाथ में मेहंदी लगा तो मत तने अतेले पर राख तो और तुझे कियो मैं बोई पूरा करियो। अरे थारे बिना एगनगोर स्टीज सिंजारा गांव का गवार खेत खलियान सब बेकार है जीवन, सब सुना है बेटा। और राखी पूनी के दिन तनी याद है जीवन, तू राखी पूनी के दिन भाग कर आती और वो कई गीत गाती ताकि बना ले मारा वीर सुख दुख में है मारो सीर। मायण बाबूजी थाने बोल दी बेटा, आज तो तू, आज तो तू ये बापू की इतनी सी बात भी को नहीं माने। अरे तेरी भाभी बोल दिए तो बोल दियो, लेकिन तू ही हर्षा की तरफ तो देख बेटा, तू हर्षा की तरफ देख बेटा। अरे जब मैं भगवान के घर जाऊंगा ए भोलेनाथ, मैं भगवान के घर जाऊंगा, माँ बापू जी मने पूछे ला बेटा जीवन खटे है तो मैं के बोलूंगा जीवन, मैं के बोलूंगा जीवन। या सब बोलकर थे मैंने मजबूर ना करो भाई साहब, थे वापस घर आ चला जाओ, मैं थारे से माफी मांगू, थारे बिना मारी भावज झुरती रहेगी, बात थारो बिरहा नहीं सह सकेगी। ठीक है बीसे गलती हो गई, पर मैं भी ने माफ करूं, पर यहां भी सच है भाई साहब, अब मैं कभी पाची को नहीं आऊंगी। ठीक है मारी जामन जाई बहन, ठीक है, अगर थारी पाची नहीं जाने की प्रतिज्ञा अटल है तो मैं भी धरती आसमान पेड़ पौधा पहाड़ और गांव के सब लोगों के सामने आज प्रतिज्ञा करूं कि मैं भी अटई बैठ कर तप करूंगा, नहीं तप तो मार बहुत कठिन हुए। अरे मारी लाडे सर बहन सु ज्यादा कठिन तो कोनी ना। जी हाँ माता माई की इच्छा, फिर जी हाँ शिव जी की इच्छा। की माया देखने
दुर्गटा भोले आशीर्वाद है। कलयुग में तुम्हारो ही अंश बनकर हर्ष भैरवनाथ के नाम से पूछे जाओगे। बेटी जीवनी, तनी ये मारो आशीर्वाद है। कलयुग में तुम्हारो ही अंश बनकर चेण माता के नाम से पूजी जाओगी। पूजेगो वो दुनिया में सुख शांति सब पावेगो। तो भक्तों, याई है जीर्ण भवानी की कथा, याई है हर्ष भैरव की कथा, याई है भाई और बहन की कथा, याई है जीर्ण भवानी की कथा। तो बोलो जीर्ण माता की जय। ज्योत अखंड जगे माता की सत की याही निशानी है। गढ़ जुग मात भव